देश की एक ऐसी तहसील जहां पर 8 महीने में सिर्फ 3 दिन तक चली है कोर्ट। इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि काले कोटधारी वकील हैं। जब इसकी पड़ताल की गई तो पता चला कि वकील कोर्ट नहीं चलने देते हैं और कोई ना कोई निजी मामला लेकर हड़ताल पर रहते हैं। इस संबंध में तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष से बात की गई और उनसे पूछा गया कि फरियादी 50 से 100 किलोमीटर की दूरी से आकर वापस चले जाते हैं और आप लोग जनता को परेशान कर रहे हैं। इसका कोई संतोषजनक जवाब उन्होंने नहीं दिया। इस संबंध में जब उप जिलाधिकारी सगड़ी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वकीलों की मांग को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है, इसके बावजूद भी अगर वो लोग नहीं सुधरते हैं तो भविष्य में हम गाँव में चौपाल लगाकर मौके पर जाकर समस्याओं का निस्तारण करेंगे। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील के उप जिलाधिकारी श्री राजेंद्र सिंह जी, हम बात करेंगे एसडीएम साहब से कि जब अदालत में हो रहा है अन्याय तो जनता को कैसे मिले न्याय, इस पैटर्न पे आज बात होनी है। तो सर, जानना चाहेंगे कि सगड़ी तहसील में, ये जो सगड़ी तहसील है, इसमें कोर्ट 8 महीने में सिर्फ 3 दिन चली है। इस 3 दिन में जनता कितनी परेशान हुई है? 100 किलोमीटर दूर से आती है, 50 किलोमीटर दूर से आती है, कुछ नदी उस पार से आते हैं, लोग आते हैं और यहाँ से वापस चले जाते हैं। क्या मामला है सर, यात्री की समस्याएं कैसे दूर होंगी? सर, वर्तमान में जो बाढ़ है, प्रस्ताव दिया गया जमीन को लेकर विवाद है, इस कार समस्या को लेकर एडीएम साहब के साथ वार्ता हो चुकी है, कोर्ट में उनके अध्यक्ष और मंत्री भी बैठे, आज उसका समस्या का विस्तार कराया जा रहा है जिससे कोर्ट चल सकता है। सर, यहाँ तक बात यह है कि वकील लोगों की समस्या, ये उनकी व्यक्तिगत समस्या है, घरेलू समस्या लेकर हड़ताल कर देना, पूरी जनता को परेशान करना वकीलों द्वारा, या इस हड़ताल कर देना, इससे जनता परेशान हो रही। सर, आपके पास भी कुछ हथियार होंगे, पावर होंगे कि अगर वकील लोग इतने दिन तक हड़ताल करेंगे, नहीं मानेंगे, तो गांव में चौपाल लगाकर समस्याओं को हल किया जाए, लोगों को बुलाकर इनको अल्टीमेटम देते हुए वकीलों को कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, हड़ताल वापस नहीं लेंगे, काम पे वापस नहीं आएंगे, तो हम गाँव में चौपाल लगाकर समस्याएं हल करने में बाध्य होंगे। इस संबंध में सर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, राजस्व संहिता के अंदर कुछ धाराएं हैं जिसके अंतर्गत मौके पर जाकर निरीक्षण करके आदेश दिए जा सकते हैं। अगर ये समस्या नहीं निपटती तो उन धाराओं के केस मौके पर जाकर निपटा दिया जाए। सर, 8 महीने में 3 दिन कोर्ट चली, सिर्फ 3 दिन, 29 जुलाई, 30 जुलाई, 21 जुलाई, उसके पहले भी बंद रहा, इसके पहले भी बंद है सर, आज भी बंद चल रही है। आप अभी 1 महीने या 2 महीने हुआ होगा जहाँ तक आप मुझे जानकारी आए हुए, तो सर आप जब से आए हैं इन समस्याओं को कितना जल्द निपटा देंगे? सर, ये समस्या तो आज ही निपटाने की कोशिश की जा रही है, इससे पहले एक और समस्या थी वो पूर्व में निपटाई जा चुकी है, इसके बाद 3 दिन कोर्ट चली थी, उसके बाद इस समस्या को लेकर पुनः प्रस्ताव आ गया, जब तक ये समस्या नहीं निपटाई जाएगी कोर्ट नहीं चलेगी। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुने, ये मामला सगड़ी तहसील का है, जिलाधिकारी महोदय ने बताया है कि आज ही समस्या को मैं निपटाने जा रहा हूँ, हर संभव प्रयास करूंगा, अगर वकील लोग नहीं अपनी बात को मानते हैं तो गांव में चौपाल लगाकर उनकी समस्याओं को हल करेंगे उप जिलाधिकारी महोदय। दलाल मीडिया के रोशन लाल। Thank you.